आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस कृष्ण जन्माष्टमी की सुबह की शुरुआत है। हर मंदिरों में, हर राज्यों में देखा जा रहा है पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र मुंबई की, तो महाराष्ट्र में कोविड-19 को देखते हुए जिस तरह से मंदिरों को बंद कर दिया गया है, आप बोर्ड को देख सकते हैं जहाँ पर शंखनाद आंदोलन किया जा रहा है। ये शंखनाद आंदोलन इसलिए है कि यहाँ की मंदिरों के जो ताले लगे हुए हैं वो मंदिरों को खोला जाए। तो भाजपा विधानसभा में यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। यह बीजेपी कार्यालय है और इस बीजेपी कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की एक बहुत बड़ी संख्या आपको नजर आएगी। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश करी, जिस तरह से इस कार्यालय के बगल में ही मंदिर है और इस मंदिर में बीजेपी के लोगों को जाने से मना किया जा रहा है। यहाँ पर इस दौरान अगर अंदर की सीन आप देख सकते हैं, इस कार्यालय के बीच में यहाँ पर एमएलए यानी कि यहाँ के जो कांदिवली विधानसभा के एमएलए हैं अतुल भातलकर, उनके साथ ही योगेश सागर और जिला अध्यक्ष उसके साथ ही यहाँ पर बीजेपी की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है, जिनका यह कहना था कि आज यह शंखनाद आंदोलन करते हुए मंदिर में जाएंगे और मंदिर का ताला खोलेंगे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंच चुकी है और पुलिस वहाँ मंदिर तक जाने से रोक रही है। और इस दौरान यहाँ पर महिला द्वारा जिस प्रकार से नारेबाजी की जा रही थी उनको डिटेन किया गया, यानी कि पुलिस द्वारा उन्हें गाड़ी में भर कर डिटेन किया गया है, उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। और इस प्रकार अभी भी यहाँ पर विधायक अतुल भातलकर और बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो मंदिर तक ना पहुँच पाए, क्योंकि कोविड को देखते हुए जिस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के मंदिरों को बंद कर रखा है। लेकिन आज कृष्ण जन्माष्टमी है और इस कृष्ण जन्माष्टमी अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये दूसरा शंखनाद यहाँ पर देखा जा रहा है। इससे पहले कोविड में भी बीजेपी द्वारा इसी तरह से शंखनाद किया गया था और उसके किस दिन बाद मंदिरों को खोला गया था। हम मंदिर खुलने के पक्ष में है और पुलिस ये जागी कर रही है। होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये राज्य सरकार की तानाशाही है हमारे खिलाफ। उद्धव ठाकरे का हिंदू विरोधी धोरण है, इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। सकते हैं कि इस गाड़ी में आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा यहां से डिटेन करके ले जाया गया है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगी, यह भगवान शिव का मंदिर है और इस शिव मंदिर पर ही भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचने वाले थे आज कि यहां का जो ताला है वो खोला जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया है, उन्हें मंदिर तक पहुँचने नहीं दिया गया है। जिसका आप देख सकते हैं, पहले महिलाओं को
महिलाओं द्वारा नारेबाजी की गई, बीजेपी महिलाओं द्वारा उन्हें डिटेन किया गया। उसके बाद ही बीजेपी के विधायक, यहाँ पे दो विधायक मौजूद थे, योगेश सागर और अतुल भातलकर, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर यानी कि डिटेन कर यहाँ से लेकर गए। और यहाँ पर उन्होंने डिटेन कर लेकर गए हैं, यानी कि उन्हें मंदिर तक पहुँचने दिया नहीं गया है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।